हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, इसरो टू लॉन्च चंद्रयान 4। इसरो लॉन्च करने वाला है चंद्रयान 4। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, टू ब्रिंग बैक सैंपल्स फ्रॉम मून इन 4 ईयर्स। तो मून से सैंपल लाने के लिए 4 ईयर्स में चंद्रयान 4 मिशन अपना जाने वाला है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज़ प्लान टू लॉन्च चंद्रयान 4 टू ब्रिंग बैक सैंपल्स फ्रॉम द मून इन 4 ईयर्स, सेड द चेयरपर्सन एस सोमनाथ वाइल एलोबरेटिंग ऑन द स्पेस एजेंसी विजन 2047। द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंडियाज प्लैंड स्पेस स्टेशन दैट विल बी कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स विल बी लॉन्च बाय 2028। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज प्रीवियसली कॉल्ड अपॉन द स्पेस एजेंसी टू सेटअप स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंड अ मैन टू मून बाय 2040। वाइल दिस मिशन्स मे सीम फार ऑफ, एन एक्सपेरिमेंट क्रूशियल फॉर सस्टेन्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट विल बी लॉन्च इन द नेक्स्ट 3 to 4 months, सेड सोमनाथ ड्यूरिंग अ लेक्चर इन राष्ट्रपति भवन थर्सडे। द स्पार्टेक्स एक्सपेरिमेंट विल बी डेमोन्स्ट्रेट ऑटोनोमस डॉकिंग कैपेबिलिटी। डॉकिंग इज अ प्रोसेस वेयर टू स्पेस क्राफ्ट आर अलाइंग इन अ प्रिसाइज ऑर्बिट एंड जॉइंट टूगेदर। तो ये डॉकिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डॉकिंग क्या होता है हमें पता होना चाहिए। एक्सप्लेनिंग द मिशन, सोमनाथ से टू सैटेलाइट्स दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर विल बी लॉन्च। दे विल सेपरेट आउट, ट्रेवल फॉर अ फ्यू किलोमीटर एंड देन कम बैक एंड कनेक्ट। तो ये आपका है कि दो सैटेलाइट पहले एक साथ जाएंगे, थोड़े अलग हो जाएंगे, ब्रेकअप हो जाएगा, फिर मिल लेंगे आपस में। यही चीज़ है, सिंपल सा इनका, ठीक है। वाइल इंडिया सक्सेसफुली डेवलप द लैंडर एंड रोवर ऑन बोर्ड चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 मिशन आफ्टर द रशिया बैक्ड आउट, सोमनाथ सेड दैट फॉर अ सैम्पल रिटर्न मिशन वी नीड मच मोर टेक्नोलॉजी देन वॉट वी हैव डेवलपिंग फॉर अ लैंडिंग। ही सेड वर्क वॉज ऑन टू डेवलप टेक्नोलॉजी सच एज रोबोटिक आर्म्स टू कलेक्ट सैम्पल मैकेनिज्म फॉर डॉकिंग इन द मून ऑर्बिट एंड अर्थ ऑर्बिट, ट्रांसफर ऑफ सैम्पल, री एंट्री इन टू द एटमोसफियर विदाउट बर्निंग अप। दिस विल ऑल्सो बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई द गगनयान मिशन दैट विल सेंड एस्ट्रोनॉट टू लो अर्थ ऑर्बिट एंड ब्रिंग दैम बैक टू अर्थ। एंड वाइल इसरो रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड अ ट्रेजेक्ट्री टू ब्रिंग बैक स्पेस क्राफ्ट फ्रॉम द मून टू अर्थ ऑर्बिट यूजिंग लेफ्ट ओवर फ्यूल इन द प्रोपल्शन मॉड्यूल फॉर अ सैम्पल रिटर्न मिशन, द असेंडर मॉड्यूल विल हैव टू कलेक्ट द सैम्पल, कम बैक टू द ऑर्बिट अराउंड द मून एंड डॉक अनदर क्राफ्ट एंड ट्रांसफर द सैम्पल बिफोर इट स्टार्ट्स इट्स जर्नी बैक टू अर्थ। इन अर्थ ऑर्बिट द स्पेस क्राफ्ट विल हैव टू डॉक विद अनदर मॉड्यूल दैट विल ब्रिंग इट टू अर्थ, जस्ट एज विद द गगनयान मिशन, द स्पेस क्राफ्ट विद मून सैम्पल विल स्प्लैश डाउन विद द हेल्प ऑफ पैरासूट्स इन द सी। सोमनाथ सेड दैट फॉर द सस्टेन्ड प्रेजेंस ऑफ इंडियंस इन स्पेस इसरो इज वर्किंग ऑन डेवलपिंग इन्फ्लेटेबल हैबिटेट मॉड्यूल वाइल द एस्ट्रोनॉट विल बी एबल टू वॉक अराउंड एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स। तो ये इन्फ्लेटेबल हैबिटेट हमारे लिए मॉड्यूल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसरो इज ऑल्सो वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजीज सच एज सैटेलाइट्स दैट विल बी एबल टू रीफ्यूल अदर सैटेलाइट्स इन स्पेस एंड इसरो सर्विस मॉड्यूल दैट विल बी एबल टू यूज रोबोटिक्स आर्म फॉर मेंटेनेंस ऑफ द मॉड्यूल एंड इवन रिप्लेस मॉड्यूल्स व्हेन नीडेड। वाइल द फर्स्ट मॉड्यूल इन 2028 कैन बी लॉन्च विद द एग्जिस्टिंग रॉकेट, ही सेड द बिल्डिंग ऑफ एंटायर स्पेस स्टेशन अ हेवियर लॉन्च व्हीकल विल बी नीडेड। तो लॉन्च व्हीकल भी हमें हेवी चाहिए, ठीक है। सोमनाथ सेड इसरो वॉज वर्किंग ऑन डिजाइनिंग द नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGVL दैट विल हैव द कैपेसिटी टू कैरी 16 to 50 एस्ट्रोनॉट कह लो, मॉड्यूल कह लो, टू द लोअर अर्थ ऑर्बिट। मोर इम्पोर्टेंटली इसरो इज डिस्कसिंग दिस विद नासा एंड द यूरोपियन स्टेट एजेंसी टू बिल्ड द कॉमन इंटरफेस बिटवीन द इसरो एंड द एंड दिस कंट्री। द इंटरफेस वुड मेक इंटरफेस विल मेक जॉइंट वर्क पॉसिबल, सोम एस सोमनाथ इंडिकेटिंग द पॉसिबिलिटी टू कोलेबरेट विद द कंट्रीज एंड स्पेस। इतना ठीक है। द कॉमन इंटरफेस विल बी अलाउड द इंडियन मॉड्यूल टू डॉक एंड आईसिस, ठीक है, आईसीएस नहीं आईएसएस, ठीक है, इंडियन इंटरनेशनल स्पेस हो गया आपका। अब आप देखो इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है। सबसे पहला चीज़ हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, जस्ट अ सेकेंड,
सबसे पहली चीज हमारे लिए इसरो के मिशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये चंद्रयान 2 हो गया, चंद्रयान 3 हो गया, गगनयान हो गया, आदित्य L1 मिशन हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। फ्यूचर, अब देखो डॉकिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। डॉकिंग क्या होता है, ठीक है, टू सैटेलाइट्स किसके ऊपर काम कर रहा है, दो सैटेलाइट मिलेंगे फिर अलग हो जाएंगे फिर कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, रशिया बैकआउट कर गया फिर भी हमने ये कर लिया, पर उससे आगे बढ़ने के लिए हमें काफ़ी डेवलप्ड वहाँ पे हमें टेक्नोलॉजीज और ज़्यादा चाहिए, ठीक है, डेवलप करने के लिए। लैंडिंग की सैंपल वापस लिया है कि एटमॉस्फेयर में आते ही वो बर्न आउट ना हो जाए, तो इसमें हेल्प करेगा हमें गगनयान मिशन, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट को भेज रहे हैं और वो वापस ले आएंगे, ठीक है। इसरो ने रिसेंटली एक आपका प्रोपल्शन फ्यूल करने के लिए बात कर रहे हैं कि कैसे जाके हवा में ही फ्यूल हो जाए, ठीक है, जर्नी कैसे स्टार्ट हो उन लोग का, कैसे एंड हो। यहाँ पे आप देखिए हैबिटेट मॉड्यूल ये लोग यूज़ कर रहे हैं कि कैसे इंडियंस जाके स्पेस में अपना रिसर्च पूरा कर सके, और यहाँ पे आप देखो फ्यूल करेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे रोबोटिक्स आर्म का यूज़ करने की बात कर रहे हैं कि कैसे जाके वहाँ पे प्रोपल्शन मॉड्यूल को ही चेंज कर दे, स्पेस में ही नीचे लाने की जरूरत ना पड़े। अब हेवियर लॉन्च व्हीकल चाहिए हमें, ठीक है, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ये हमें याद रखना है। और अब देखिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात हो रही है, स्पेस स्टेशन, हमारा विजन क्या है 2042 का, 2047 का हमारा विजन है कि सैंपल यहाँ से ये ले आए, और स्पेस एजेंसी 2040 विजन 2047, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि कैसे अपना एजेंसी सेटअप करे बाय 2035 और उस पर आदमी भेजे मून पे 2040 तक। तो कुछ डेट्स भी 2035 तक स्पेस एजेंसी सेट करो और 2040 तक मून पे आदमी भेज दो, और 2047 जो है अपना वो विजन है कि वहाँ पे वो हो गया है, उसके बाद से वो हो गया, मतलब विजन अपना 2047, आप देखिए यहाँ पे लिखा है स्पेस एजेंसी विजन 2047, ठीक है। उसके बाद से आप देखिए हैबिटेट मॉड्यूल की कैसे वहाँ पे जाके काम करिए, ये सारी चीज़ें हमें बस पता होनी चाहिए फॉर्डर पॉइंट्स की तरह, कैसे हम लोग उसको एग्ज़ाम में लिख दें, बस लिख देना है, ये डेटा ही एक तरीके का आपका सारा का सारा। और इसके ऊपर NGVL हमें पता है क्या होना चाहिए, न्यू लॉन्च व्हीकल, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल होना चाहिए, कॉमन इंटरफेस अलग अलग एजेंसी के साथ, नासा के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ मिल रहे, काम कर रहे, टेक्नोलॉजीज लेने की बात कर रहे, बस यही बात हो रही है। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स, थैंक यू।